हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 टीवीएस रॉनिन 225 स्पेशल एडिशन। अब दोस्तों स्पेशल एडिशन है तो चीजें आप लोगों यहां पर क्या स्पेशल देखने को मिल रही है, प्राइस आपको भी इस एडिशन के लिए कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टॉप ऑफ ऑल चलाते वक्त ये आपको राइड एक्सपीरियंस कैसा निकाल कर दे सकती है, इन सारी चीजों के बारे में दोस्तों एक डिटेल डिस्कशन करेंगे आज इस रिव्यू के दौरान। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले जो की है वो देख लीजिए, यहाँ पर की में आप लोगों को चेंज समझ में नहीं आएगी, जैसे पहले आप लोगों को वेव की मिलता था सेम काइंड ऑफ वेव की आपको अभी भी मिल रहा है। इसको पहले यहाँ पर इंसर्ट करते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल क्या करी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों विद अ कलर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पहले से तीन वेरियंट देखने को मिल रहा था, बेस मॉडल, मिड मॉडल, देन टॉप मॉडल। और बेस मॉडल में अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को सिंगल टोन कलर मिल रहा था, अगेन दो वेरिएंट मिल रहा था आप लोगों को कलर के बेस मॉडल में। मिड मॉडल में भी सेम है, आप लोगों को दो कलर वेरिएंट मिल रहा था जहां पर आप लोगों को डुअल टोन कलर देखने को मिल रहा था। देन अगर आप लोग टॉप मॉडल में आ रहे थे तो वहां पर आप लोगों को दो कलर वेरिएंट मिल रहा था, एक तो है ग्रे कलर, देन आप लोगों को जो मतलब ऑरेंज कलर है वो भी मिल रहा था, ठीक है, लेकिन वहां पर आप लोगों को ट्रिपल टोन कलर मिल रहा था। बाकी दो दो वेरिएंट जो है कलर की इन तीनों ही मॉडल में वो आप लोगों ने भी स्क्रीन पे देख ली है। अब दोस्तों टॉप मॉडल में यहां पर कंपनी ने ये जो कलर है इसको भी ऐड कर दिया और कंपनी कहती है कि ये स्पेशल एडिशन है। थ्रू आउट द वॉक अराउंड आप लोगों को 360 व्यू जो है वो भी यहां पर मिल जाएगा। अब ये तो कलर के बारे में बात हो गया दोस्तों, जहां पर ये चेंज आपको मिलेगा, मतलब पहले आप लोगों को तीनों ही मॉडल में दो दो कलर मिलता था, अभी आप लोगों को बेस और मिड मॉडल में दो दो कलर मिल रही है, लेकिन यहां पर टॉप मॉडल में आप लोगों को टोटल तीन कलर मिल रही है, तो सबसे पहला चेंज है। और अब अगर आप प्राइस के बारे बात करते हैं दोस्तों, तो पहले आप लोगों को ये जो टॉप मॉडल है 2,05,500 में मिलता था अप्रॉक्सिमेटली, अभी आप लोगों को ये 2,08,500 में मिल रहा है, मतलब 3,000 रुपीज तक आप लोगों को यहां पर जो प्राइस इंक्रीज है वो देखने में मिल रहा है। अब ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है इसमें चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो फिजिक मतलब आप कह सकते हैं कि जो विजिबली जो डिफरेंस है देखने में मिलेगा वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों क्योंकि अभी जैसी ये गाड़ी लॉट से उतरी है, मैं आपको ये रिव्यू के लिए यहां पर मैं इसको लेके आ चुका हूं, तो दो चीज़ें यहां पर अभी इंस्टॉल नहीं करी गई जो कि आप लोगों को एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, वो है इसकी वाइजर। बाकी आप लोग अभी शायद स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक्चुअल में दिखती कैसी है। ये जो वाइजर है पहले आप लोगों को पहले एज एन एक्सेसरीज खरीदना पड़ता था, लेकिन अभी आप लोगों को ये एज अ स्टैंडर्ड देखने में मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो हैंडल बार में लोगों को जो यहां पर जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी अभी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा। तो ये दो बड़ी चेंज हुई है दोस्तों यहां पर, जो आप लोगों को पहले एज एन एक्सेसरीज खरीदना पड़ता था, इस मॉडल में अगर आप आ रहे हैं तो आप लोगों को यहां पर मतलब एज अ मतलब बाय डिफॉल्ट आप लोगों को यहां पर देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चेंजेस है, जैसे अगर आप लोग देखते हैं तो रॉनिन पहले आप लोगों को 3D में लिखा हुआ देखने में मिलता था, अभी आप लोग ये स्टिकरिंग मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये स्पेशल एडिशन की ये आप देख सकते हैं ये 3D है, ये 3D बैजिंग जो है वो आप लोग को यहां पर मिल रहा है। देन अगर आप फ्रंट में देखते हैं तो ये हेडलैम्प में दोस्तों पहले आप लोगों को ये जो कवरिंग है पहले आप लोगों को ग्रे या फिर आप कह सकते हैं सिल्वरिश कलर में मिलता था, जो आप लोगों को अभी कंप्लीटली ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है, मतलब शाइनी ब्लैक आप कह सकते हैं। देन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर रॉनिन जो लिखी हुई है ये आप लोग को स्टिकरिंग पहले ऐसा नहीं मिलता था। साथ ही अगर आप लोग ही वाली पोर्शन देखते हैं दोस्तों तो यहां पर भी आप लोगों को कलर में थोड़ा सा चेंज देखने में मिल रहा है, तो ये कुछ विजिबल डिफरेंस है दोस्तों, बाकी कुछ और भी है लेकिन जो विजिबल डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को अभी यहां पर बता दिया है। अब दोस्तों चीजों के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को कंप्लीट यहां पर मिल क्या करी है। जैसे आप की ऑन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो LED DRL है वो आप लोगों को यहाँ पर जलता हुआ मिलेगा, अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों। अब जैसे आप लोग इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं आप देख सकते हैं कंप्लीट LED हेडलैम्प का जो सेटअप है वो भी आप लोग यहाँ पर ऑपरेट करते हुए देख पाएंगे, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो हाई बीम लो बीम का जो बटन है वो भी मिल रहा है, आप लोग कुछ इस तरीके से इसको भी यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये जो पास लाइट का स्विच है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। अब इसकी जो एल्यूमिनेशन है दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छी ही देखने में मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये जो LED यहाँ पर जो ये टर्न सिग्नल है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। अब इसको यहाँ पर अगर बंद भी कर दें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैजार्ड लैंप का ऑप्शन है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये पहले से ही मिलता था, तो फ्रंट का ये जो लुक है दोस्तों आप लोगों को लग कैसा रहा बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ बंद और चलते हैं दोस्तों नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट लगाने की जगह है, काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर आपको जो मडगार्ड है वो भी देखने में मिल रहा है। 110/70 सेक्शन की जो टायर है पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा है। थोड़ी बहुत अगर आप इसमें ऑफ रोडिंग भी करना चाह रहे हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी अगर आप ऑफ रोडिंग भी करना चाह रहे हैं तो ये जो टायर की
हाइब्रिड पैटर्न है वो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट करती हुई दिखेगी। और पहले की तरह ही दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 17 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आप लोगों की जो डायमंड कट है ये यहाँ पर देखने में मिल रहा है, तो ये काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि खूबसूरत चीज़ यहाँ पर आपको अभी देखने में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग इसकी ये मतलब ब्रेकिंग सिस्टम देखते हैं तो डुअल चैनल पर जैसे आप लोग को पहले मिलता था फ्रंट और रियर दोनों में ही ABS, वो अभी भी आपको सेम ही देखने में मिल रहा है। फ्रंट में अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 300 mm की जो बड़ी सी डिस्क है वो मिल रही है, बाकी ABS करेंगे आप देख पा रहे हैं, कैलिपर तो यहाँ पर है ही। और अगर आप लोग इसकी ये सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों ये काफ़ी तगड़ा है, मतलब 41 mm की यहाँ पर आप लोगों को ये जो USD फोक है ये मतलब आप कह सकते हैं कि गोल्ड एनोडाइज्ड है, ये जो गोल्ड कलर है इसकी वजह से इसकी जो मतलब लुक है ये और ज़्यादा निखर कर आती है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में बताऊँ दोस्तों तो यहाँ पर वैसे कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुई है। 225.9 cc SOHC सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फिल इंजेक्टेड इंजन जैसे आप लोगों को पहले मिलता था अभी मिल रहा है, बाकी ये 4-valve है। और पावर फिगर्स की अगर बात करी जाए दोस्तों तो 20.4 PS तक की मैक्स पावर आप लोगों को मिल रही है और 19.93 Nm तक का मैक्स टॉर्क जो है दोस्तों ये यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने में मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं विथ हंटर 350 तो अप्रॉक्सीमेटली जो पावर है वो आप लोगों को सेम मिलेगा लेकिन हंटर में 27 Nm तक का टॉर्क मिलता है। तो क्या ये डिफरेंस बनाते हैं दोस्तों आगे इसके बारे में बात करेंगे। हाँ अगर आप फ्रंट अगर आप पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों तो हंटर से भी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को USD नहीं मिलते जो आप लोगों को यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट इसको है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ये एग्जॉस्ट साउंड है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों एग्जॉस्ट में वैसे आप लोगों को कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये एग्जॉस्ट गार्ड देख रहे हैं दोस्तों, मफलर कवर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही देखने में मिल रहा है। और अगर आप लोग ये फुटरेस वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, चाहे पिलियन हो चाहे यहाँ पर राइडर हो दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी और तगड़ी ही देखने में मिल रही है। अब अगेन दोस्तों इसकी जो की है उसको एक बार अगर दोबारा ऑन कर दे तो आप देख सकते हैं काफ़ी बेसिक से दिखने वाली लेकिन काफ़ी मतलब अच्छी दिखने वाली यहाँ पर जो टेल लैंप है वो आप लोगों को मिल रहा है। TVS की जो 3D लोगो है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और साथ ही अगर आप इसकी रियर पोर्शन में देख रहे हैं रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये LED जो बल्ब है जो कि इस नंबर प्लेट को एलुमिनेट करेगी वो भी आप लोगों को दिख रही है। और दोनों ही साइड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग इसकी रियर सेक्शन में टायर देख रहे हैं दोस्तों तो 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, अगेन 17 inches की अलग भी। और यहाँ पर आप लोगों को डायमंड कट जैसे फिनिश जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आप इसकी ये रियर में यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं तो 240 mm की ये जो ब्रेक डिस्क है वो आप लोग को मिल जाएगा, डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर जो ABS करेंगे वो मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये 7-step एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो भी यहाँ पर मिल रहा है। और रियर में दोस्तों जो मैं बताना भूल रहा था, अगेन यहाँ पर आप लोग को जैसे फ्रंट में मिल रहा था सेम जो टर्न सिग्नल है वो आप लोग को यहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आप लोग लेफ्ट पोर्शन में आते हैं दोस्तों तो साड़ी गार्ड तो यहाँ पर बेशक आपको मिल रहा है लेकिन लेडीज़ फुटरेस नहीं है, उसके लिए दोस्तों आप लोग को अलग पैसा खर्चा यहाँ पर करना होगा। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये कम्प्लीटली ढकी हुई मतलब वो नहीं है, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई चेन ढकी हुई तो ऐसा नहीं है, उल्टे साइड से अगर आप देखेंगे तो चेन खुली हुई है, बस इस साइड से अगर आप देख रहे हैं तो ये जो चेन कवर है वो आप लोगों को मिल रहा है। बाकी हाँ यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आप लोगों को चेन के लिए क्लीन लूप के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा। अब दोस्तों देखिए आप यहाँ पर जो साइड स्टैंड है वो यहाँ पर मिल रहा है, मेन स्टैंड है वो भी आप लोगों को मिल रहा है और यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है बिकॉज ऑफ दिस साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर काफ़ी हद तक ये इंक्रीज हो जाती है। पहले की तरह ही दोस्तों आप लोगों को अभी भी यहाँ पर 5-speed गियरबॉक्स ही मिल रहा है, मतलब 1 down 4 up। बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आगे इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर आपको खास चीज़ जो मिलती है वो है असिस्टेंट सीपर क्लच। जी हाँ दोस्तों असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि जो क्लच फंक्शन है काफ़ी हल्की है और सीपर क्लच की वजह से आप लोगों को एग्रेसिव डाउनशिफ्ट में भी हेल्प करेगी, बाकी आगे इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग इसकी इंजन काउल देख रहे हैं दोस्तों, भले ही आपको यहाँ पर ये फाइबर की मिल रही है लेकिन दोस्तों क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी आप देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की आपको यहाँ पर ये मिल रही है। अब अगर दोस्तों आप लोग इसकी सीट हाइट देखते हैं तो 795 mm की है अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" 3" तक की भी है इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसकी जो की है उसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं टैंक पे मिल क्या कर रही है। यहां पर आप देख सकते हैं E20 की स्टिकरिंग है, मतलब इसको OBD2 की तो अपडेट जो है वो मिली ही है। साथ ही अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो इंजन है दोस्तों 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी आराम से रन कर जाएगी, बाकी नॉर्मल जो अभी फ्यूल मिल रहे उसके साथ तो ये चलेगी। अगेन मैं बताना चाहूंगा जैसे हर एक वीडियो में बता रहा हूं कि कोलकाता में E20 फ्यूल मिलना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आपके शहर में भी अगर मिल रहा है दोस्तों तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग यहां पर देख रहे हैं दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था 3D
3D एम्बलम आपको स्पेशल एडिशन की मिल रही है। और ये जो कलर है ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये व्हाइट कलर है, यहाँ पर आप लोगों को ग्रे कलर मिल रही है, ऊपर से ये आप लोगों को एम्बलम मिल रहा है। और ये जो पार्ट है दोस्तों जहाँ पर आप लोगों को ये रेड व्हाइट दिख रही है, ये आप लोगों को एज अ स्टिकरिंग यहाँ पर देखने में मिल रहा है। ये जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, ये भी आप लोग को एज अ स्टिकरिंग मिल रहा है, यहाँ पर रॉनिन जो है, देन यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एज अ स्टिकरिंग देखने में मिल रहा है। बाकी ये भी मेटालिक है, क्वालिटी इसकी भी सही है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की ही मिल रही है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 14 लीटर्स तक की टैंक है दोस्तों, और अप्रॉक्सीमेटली आप 35 से 40 किलोमीटर्स तक की जो माइलेज है वो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी रॉनिन के अगर आप ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं, एक्सपीरियंस आप लोगों का क्या है विद द माइलेज बिल्कुल आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों, तो 181 mm की है, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक ऑफ रोडिंग में आप लोगों को हेल्प करेगी, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है तो ऑफ रोडिंग में डेफिनेटली हेल्प होती है। वहीं अगर आप लोग इसकी वेट देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को 160 किलोग्राम तक की दिखाई देगी। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसकी ये हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में बताऊं, तो एक बार इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं। पास लाइट का स्विच है, ये हाई बीम लो बीम, अब ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो अगर आप स्मार्ट कनेक्ट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में अगर आप इसके साथ जोड़ते हैं, तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह, वो जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके लिए ये जो बटन है यहाँ पर दिया गया है, ये टर्न सिग्नल्स के लिए है, हॉर्न इज प्रीटी लाउड, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आपको सुनाई दे देगी। देन अगर आप लोग राइट साइड में आते हैं तो इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, मोड बटन है दोस्तों, यहाँ पर अर्बन और रेन दो आपको मोड मिलते हैं जो आप यहाँ से स्विच कर पाएंगे। और ये आप हज़ार्ड लैंप के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी सुन ही लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है उसके बारे में बात करते हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई ये अगर मिड में होती तो शायद और बेहतर होती, बट मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये बुरी नहीं लगती है, ठीक ठाक है, क्योंकि ना बुरी तब लगती है अगर ये हिलेगी। जैसे कि आप लोग अगर आप हंटर में देखते हैं ना तो वो थोड़ी सी हिलती है, लेकिन ये यहाँ पर ना रॉक सॉलिड है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि सही है या नहीं है, कहाँ उसका मिड पोर्शन पे होना चाहिए था, नहीं, ये आप बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूँ चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल क्या करिए। जैसे आप इसको ऑन करते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है, यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, टाइम आप देख पा रहे हैं, गियर पोजीशन सेंसर है, ट्रिप आपको यहाँ पर दिखा रही है, फ्यूल का सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, दो मोड जो है वो आपको दिख जाएगी, मोड और सेट का आप देख सकते हैं, दो बटन यहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो बता रही है, ओडोमीटर कितनी चल चुकी है वो आप लोगों को यहाँ पर बता रही है, ट्रिप ए देन ट्रिप बी आपको बता रही है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें दोस्तों जो आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है वो तो मैंने आपको अभी बताया ही है, और साथ ही चाहे यहाँ पर आप ये क्लच देख रहे हो, चाहे आप यहाँ पर ये भी ब्रेक देख रहे हो, ये आप लोगों को एडजस्टेबल मिलता है। तो थोड़ा सा इसको अगर आप यहाँ पर अगर हल्का से प्रेस करके अगर इस एरो के साथ जो भी आप यहाँ पर सेट कर देंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये एडजस्ट भी हो जाती है। और आईने के वगैरह में दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए बात करेंगे। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने यहाँ पर इसकी जो वॉक अराउंड थी वो यहाँ पर देख लिया, चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर, देन देखते हैं कि भाई चलते वक्त परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसा निकाल कर दे सकती है। दोस्तों अब राइड अभी वो करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले सीट के बारे में बात किया जाए, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट आपको लग सकती है, लेकिन अगर आप एज ए राइडर बैठ रहे हैं तो ये जो स्पेस है अगर आप हेल्दी भी है ना तो भी आपको काफी सही मिलेगी। बाकी पिलियन सीट में थोड़ी सी आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक रैली पर निकला था, पहले जब मैंने एज अ राइडर राइड किया मैंने पिलियन से पूछा कि भाई ठीक ठाक है, तो बोला नहीं, मतलब हाँ ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैं एज अ पिलियन बैठा ना तो मेरे को फील हुआ कि भाई ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल रहा है इसकी वजह से राइड थोड़ी इजी हो जाती है। तो चाहे आप पिलियन बैठ रहे हो, राइडर बैठ रहे हो, हेल्दी भी है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बैठ के देखते हैं, 795 की सीट हाइट है, आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सीट दोस्तों कंफर्टेबल के साथ साथ थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक ऐड हो जाती है कि भाई आपकी कंफर्ट इसमें ज़्यादा आपको मिल सकती है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर एंड थर्ड गियर भाई साहब अच्छा खासा जो इनिशियल जो रिस्पांस है ना दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। अब मैं एक चीज़ बता सकता हूँ दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं आप बिल्कुल ही अपराइट बैठे हैं, हैंडल बार जो है चौड़ी है, थोड़ी सी ऊपर की साइड है, और अगर आप पैर देख रहे हैं ना वो भी बिल्कुल सामने की तरफ है, तो आप कह सकते हैं कि एक जो कंफर्टेबल क्रूजिंग पोजीशन है ना वो आप लोग को यहाँ पर दमदार देखने को मिलता है, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया आप राइडर हैं, आप पिलियन हैं, आपको स्पेस की वजह से या फिर कंफर्ट की जो वजह है उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम फील नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है अबाउट द क्लच। क्लच मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि असिस्ट है तो काफ़ी हल्की है, और सिपर क्लच भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो एक बार दोस्तों सिपर क्लच का काम क्या है वो आप लोग देख लीजिए, पहले इसको ले चलते हैं 70-80 तक, ठीक है 70-80 तक ले चले इसको, और अभी देखिए डाउनशिफ्ट करते हैं, ये देखिए देख रहे हैं आरपीएम बढ़ी लेकिन देखिए स्पीड घट रही है। तो यही है ना कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर सिपर क्लच यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि एग्रेसिव डाउनशिफ्ट भी अगर आप कर रहे हैं हाई स्पीड्स पर तो गाड़ी आपकी स्लिप ना करे रियर टायर, तो वो ये बखूबी कर रही है।
ठीक है, तो हाई स्पीड्स की जो स्टेबिलिटी है वो भी यहाँ पर इंश्योर होती है बिकॉज ऑफ द सिपर क्लच। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक सेफ्टी जो है वो यहाँ पर कंपनी ऐड करती है। तो सिपर क्लच मैंने आपको बता दिया है। गियर शिफ्टिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप अप शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ना काफ़ी बढ़िया जो मतलब शिफ्टिंग है वो मिल जाए, मक्खन की तरह है। मतलब आप शिफ्ट कर रहे हो, आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो, भाई कभी कभी तो ऐसा है कि आप शिफ्ट कर दे आपको पता भी नहीं चला, इतना मक्खन जैसे शिफ्ट होती है ये। और अभी दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट गियर पर मैंने रख दिया है तीन हॉर्न के साथ। सिक्सटी तक आप लोगों ने देख लिया है, इट्स टाइम फॉर हंड्रेड नाउ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहला जो चीज़ होगा वो है वाइब्रेशन के बारे में। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना, तो 80-90 तक भी अगर आप देख रहे हैं तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर जब आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 80-90 तक जब आप जा रहे हैं तो आप फिफ्थ गियर में उसको राइड कीजिए, तो ना वो जो हल्का सा बस जो है जो आप लोग के पैरों में फील होती है वो बस भी कम हो जाएगी, ठीक है, 80-90 के बाद मैं कह रहा हूँ। तो वाइब्रेशन थोड़ी सी आपको फील हो सकती है 80-90 के बाद, लेकिन अगर आप फिफ्थ गियर पर राइड करते हैं तो वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया अबाउट वाइब्रेशन। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं दोस्तों, सामने में 110 पिन, रियर में आप लोगों को 130mm की जो टायर मिल रही है, बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। चाहे आप हाई स्पीड में भी राइड कर रहे हो, सिपर क्लच आप लोगों को स्टेबिलिटी आराम से फील कराएगी वो, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं कंफर्टेबल राइडिंग स्पीड, मैं ये कह सकता हूं क्रूजिंग स्पीड टू बी स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं कि अगर आप 100-110 तक भी जा रहे हैं आराम से क्रूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको अभी कहा था 100 तक भी अगर आप जा रहे हैं तो फिफ्थ गियर में राइड कीजिए, आपको जो वाइब्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी, ठीक है। और मैं कहूँगा दोस्तों 70-80 तक राइड कीजिए, आपको माइलेज भी 30-35 के बीच में वहाँ पर मिल जानी चाहिए। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ, तो सबसे पहले हम लोग इसको ले चलते हैं 60 तक, एंड देन फ्रंट जो ब्रेक है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे, और 60-70 तक ले चलते हैं फ्रंट ब्रेक। हाँ जी जी जी, अभी हल्का सा जो मतलब वो ABS का जो इंट्रूशन है वो मुझे यहाँ पर फील हुआ है। बाकी दोस्तों एक चीज़ देखने लायक है, फ्रंट का ये जो मतलब फ्रंट ब्रेक की यहाँ पर ये जो लीवर है ना, इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा पुल करना होगा क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है। बाकी ब्रेक बाइट फीडबैक अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो लाजवाब है, कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं हो रही है, तो सामने में से लाजवाब परफॉर्मेंस आपको मिलेगा ब्रेकिंग की, मैं कह रहा हूँ। अब सेम दोस्तों हम लोग इसको ले चलते हैं 60 तक, और रियर ब्रेक जो उसको भी अप्लाई करेंगे, एंड 65 तक चले गए थे, रियर ब्रेक अप्लाई कर दिया है ये। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं हर मतलब वीडियो में कहता हूँ कि भाई रियर ब्रेक प्रोग्रेसिव है, सेम यहाँ पर भी है, लेकिन एक बात है, फ्रंट में जब मैंने 70 के बाद इसको अप्लाई किया ना तो थोड़ी सी वो ABS की इंट्रूशन फील हुई थी, लेकिन रियर में ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुई है। अब दोस्तों अगेन इसको हम लोग थोड़ी सी ले चलते हैं स्पीड पर, एंड दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट, रियर एंड फ्रंट। ये देखिए, देख रहा है, ये एक बात होता है दोस्तों, अगर आप रियर ब्रेक को अप्लाई करने के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करते हैं ना, तो ब्रेकिंग का जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को मिलता है। ओवरऑल आप कह सकते हैं इस बाइक में ब्रेकिंग की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। अब अगर दोस्तों आप लोग इसकी सस्पेंशन के बारे में कहते हैं, तो मैं ही कह सकता हूं कि फ्रंट में आप लोगों को यहां पर जो USD मिल रहा है उसकी वजह से, जब आप ये कर रहे हैं ना दोस्तों, फ्रंट में से जो USD है उसकी वजह से यहाँ पर जो स्टिफनेस है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर फील हो रही है। अब दोस्तों USD यूज़ इसलिए किया है ताकि स्टिफनेस फील हो, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिले कि अगर आप कॉन्टरिंग कर रहे हो या फिर अगर आप हाई स्पीड्स पर हो तो वो स्टेबिलिटी आपको फील हो, और वो आपको यहाँ पर फील करा रही है। बाकी अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो एक बार इसको हल्की सी ये पत्थरों वाले रास्ते पर ले चलें, ये देखिए थोड़ी सी आप लोग को स्टिफ तो महसूस होगी दोस्तों, ठीक है, चाहे आप रियर हो मतलब रियर देख रहे हो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, लेकिन एक बात है दोस्तों, अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो वो 6 स्टेप एडजस्टेबल है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से अपने लिहाज से उसको ढाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फिर भी नहीं होगी। अब एक चीज़ मैं कह सकता हूं दोस्तों कि ये सस्पेंशन जो है ना आप लोगों को ऑफ रोड में भी हेल्प करेगी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 8-10 इंच की गड्ढा और उस पर आप 40 की स्पीड पर कुदा रहे हैं तो आप लोगों को झटका फील ही ना हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप गड्ढा भी देख रहे हैं ऑफ रोड की स्पेशली मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। ये देखिए टर्न रेडियस देख रहे हैं, इतनी छोटी सी जगह पे इसको मोड़ लिया है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा था इतनी छोटी सी जगह पे मोड़ते हुए भी मुझे यहाँ पे डर का फील नहीं हुआ है, अब वो भी सस्पेंशन की वजह से है, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप मतलब ऑफ रोड पर जा रहे हो या फिर अगर आप ऑन रोड भी देख रहे हो तो आपको ये जो बाइक है ना बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर देगी, और साथ ही इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी इसकी जो टायर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही वॉकरन के दौरान बताया था कि जो टायर है उसकी जो ट्रेड पैटर्न है ना, अगर कीचड़ वगैरह से के ऊपर से भी अगर आप चलते हैं तो कीचड़ को काट के निकलने की जो क्षमता है वो इस टायर में है, ठीक है। बाकी ये क्षमता दोस्तों अगर आप 100-350 देखते हैं वहाँ पे जो टायर है ना
उस टायर में आप लोगों को कीचड़ को काट के निकलने की क्षमता उसमें आप लोगों को नहीं मिलती है, तो ये भी एक बेहतर बात है। अब अगर आप हैंडलिंग देख रहे हैं, तो पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि हैंडल काफ़ी चौड़ी है और आप गाड़ी के हल्के से अंदर बैठे हैं और आप बिल्कुल अपराइट पोजिशन है, पैर सामने की तरफ है, तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पर भी इसको प्रेफर कर रहे हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और अगर आप चाहे पिलियन है, आप राइडर है, आपको काफ़ी अच्छा खासा जो स्पेस है या फिर जो कम्फर्ट है वो आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप नए रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं, टर्न बटन नेविगेशन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्मार्ट कनेक्ट ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल के साथ यहाँ पर कंसोल के साथ जोड़ दीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रियर में आप देख सकते हैं जो ये रियर व्यू मिरर्स है वो भी काफ़ी अच्छा, जो रियर व्यू है वो आपको निकाल कर दे रही है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि अच्छा खासा यहाँ पर जो आपको मतलब हैंडलिंग है ना वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, आपको शिकायत इससे नहीं होगी। एक और चीज़ जो सबसे बढ़िया है, मान के चलिए आप यहाँ पर अभी ट्रैफिक पर हैं और आपको गाड़ी एकदम हल्का चलाना है, तो GTT टेक्नोलॉजी, आप देखिए थर्ड गियर पर मैंने भी बाइक को छोड़ दिया है, ना क्लच ना थ्रॉटल ना मैं गियर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए थर्ड गियर पर मैंने भी बाइक को छोड़ दिया है, तो गाड़ी देखिए हल्का हल्का जो है गाड़ी अभी आगे बढ़ रही है। अभी दोस्तों इसको हम लोग फिफ्थ गियर में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, और उसको अब देखिए फिफ्थ गियर पे मैंने इसको लगा के छोड़ दिया है, ना गियर ना थ्रॉटल ना क्लच, देखिए आराम से देखिए गाड़ी चल रही है, देख रहे हैं 20-25 की स्पीड पर ही आगे आगे भाग रही है। तो यही बात होता है ना दोस्तों, जब आप मतलब कंटिन्यूस ट्रैफिक पर होते हैं, बार बार क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं, एक तो है कि जो माइलेज है वो गिर जाती है, दूसरा कि वह इंजन का स्टॉलिंग प्रॉब्लम आ जाता है, तो उन दोनों से बचाने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने काफ़ी खास यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आपके हैंडलिंग जो काफ़ी ज़्यादा इजी बना देती है। तो दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने डायनेमिक कंडीशंस की बात कर ली, और चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन में कि भाई अगर आप इसको स्पेसिफिक हंटर 350 से कंपेयर करते हैं तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। दोस्तों सत्यवचन की घड़ी में आप कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं कि भाई ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है 2024 से आगे आने वाले सालों में। अगर आप हंटर 350 से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों एक इमोशन जुड़ी है, मैं हमेशा कहता हूं रॉयल Enfield is not just a brand, it's an emotion. It has become an emotion now. तो अगर आप लोगों को Royal Enfield खरीदना है तो मैं हर वक्त कहता हूँ कि भाई वो Royal Enfield ही खरीदेगा। बाकी ऊपर से अगर आप Hunter 350 देख रहे हैं, प्राइस भी उसमें आपको कम मिलती है, बाकी वो जो Royal Enfield का वो जो ब्रांड वैल्यू है वो आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों को वो जो डुग डुग वाली आवाज़ है वो आप लोगों को मिलती है, रॉयल प्रेजेंस आपको मिलता है, अच्छा खासा जो टॉक फिगर है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल रहा है, राइड जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको वहाँ पर अच्छी मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आप प्राइस भी देखते हैं 2,05,000 जो ये आप लोग ऑफर कर रही है उसमें वो भी आप लोगों को मिल जाता है, तो उसके लिए वो ठीक है दोस्तों, ठीक है, उस प्राइस रेंज में वो एक अलग ऑडियंस है उसके लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसी बाइक चाहिए थी कि भाई 2,05,000-10,000 के बीच में आप लोगों को एक अच्छी दिखने वाली बाइक चाहिए, कंफर्टेबल राइड आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा फीचर लोडेड बाइक चाहिए था, जैसे कि टायर्स आप लोगों को थोड़ी सी मोटी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को असिस्टेंट सीपर क्लच चाहिए, आप लोगों को USD चाहिए, आप लोगों को GTD टेक्नोलॉजी जैसे जो फीचर है वो चाहिए थी, या फिर टर्न बटन नेविगेशन, कॉलर SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, देन आप लोगों को LED हेडलैम्प वगैरह चाहिए, देन हाई स्पीड या फिर टॉप स्पीड स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो स्लीपर क्लच है वो आप लोगों को चाहिए थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि भाई मुझे अच्छा राइड मिले, दिखने में अच्छी हो, माइलेज अच्छी हो, थोड़ी सी फीचर लोडेड बाइक मिले, और माइलेज मतलब माइलेज के साथ साथ प्राइस भी आप देख रहे हैं तो 2,05,000 की आपकी बजट बनती है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है अगेन आप लोगों के लिए 2024 रॉनिन 225 या फिर आप कह सकते हैं 2024 TVS रॉनिन 225 एक बेहतर, तो आप कह सकते हैं दोस्तों 2024 रॉनिन 225 स्पेशल एडिशन आप लोग के लिए बेहतरीन जो बाइक है वो निकल कर आते हैं। लेकिन दोस्तों एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा, क्योंकि हंटर 350 में टॉक फिगर ज़्यादा है तो वहाँ पर आप लोगों को जो हाई एंड परफॉर्मेंस है वो इसके मुकाबले आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देखने में मिल सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2024 TVS रॉनिन 225। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा हंटर 350 के मुकाबले ये बाइक खरीदना आप लोग कितना ज़्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।